हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पनीर काठी रोल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंचेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप योगर्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, नमक कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है आमचूर, 2 टीस्पून यहाँ पर है नींबू का रस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है सब कुछ, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पनीर। पनीर की भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 प्याज, 1 येलो रंग का शिमला मिर्च लिया है, आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेना है। यहाँ पर 1/2 घंटा हो चुका है और मैंने बहुत ही कम ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने इस मिक्सर को डाला है। मिक्सर को तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत पानी निकल रहा है, योगर्ट का भी, और मसाले भी अच्छी तरह से पक रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सूख गया है पानी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पनीर हमारी बिल्कुल रेडी है रोल बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बनी हुई चपाती ली है, रोटी। इसके अंदर मैं रेड चिली सॉस का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर रायता भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं पनीर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद सैलेड। और यहाँ पर रेडी है हमारा पनीर काठी रोल। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।